परम पूंजी वाहिगुरु सच्चे सतगुरु तेग बहादुर साहब जी 1721 बिक्रमी नूं गुरता प्राप्ति मगरों भाई मखण शाह जी सत्संग जी समेत हरी रूप श्री हरिमंदर साहब जी दे परम प्यारे सब सच्चे नूरी दर्शन नूं आए मानिया रब रजाइया वार बख्शे। जदों सतगुरु साहब जी हरिमंदर साहब दे दर्शन नूं आए लूण हरामी जलन जोगे मसंद श्री दरबार साहब जी दे चारे बूहे बंद करके चले गए। सतगुरु साहब जी ते प्रेमिया ने बहुत बहुत विराग कीता। हे करता कादर करीम आप जी दी रजा टल है अज को ते ब्रह्मंड दे मालक श्री हरिमंदर साहब जी दे रचनहार दार मांदे ठांडे दरबारे तुझ बेनो सुर ते करै को मेरी दर्शनु दीजै खोले केवार अनुसार। सब सचे दर्शन दे भिखारी बन के बूहे अगे खड़े हन पोथी अंग 130 जिन्हां दे परम पाक सुंदर सचे दर्शन नूं देवी देवते अवतार पैगंबर योगी भगत सेवक लोचदे हन। भाई मखण शाह जी ने सचे सतगुरु साहब जी नूं कहा आप जी एक वारी हुक्म करो इन्हां मसंदां नूं बन के दंड देवां आप जी दे सचे चरण कमलां ते पावां धीज तारी दीन दयाल कृपाल कृपा ने दे शांति दे सागर ब्रह्म रतनागर खिमा दे रचनहार दाते सतगुरु साहब जी ने प्रेमी मखण साहब जी नूं धीज दिता। रामदास सरोवरे नाते अनुसार आप जी ने सत्संग जी समेत परम पुत्र श्री रामदास सरोवर च स्नान किया। दर्शन जोड़ी सामने खड़ के अरदास मगरों इस वचन कहे नह मसांदे हे अमृत सरिये तिसना अग्नि अंदर सड़िए उपरंत श्री अकाल तख्त साहब जी आके तू ठाकुरो तुम पह अरदास अनुसार अरदास करके गोरो पूरा नमस्कारे अनुसार नमस्कार करके आप जी ने गुरुद्वारा श्री थरा साहब जी पूरा साहब आके कुछ समा प्रभु का सिमरां नूं सब ते उच्चा सिमरन कीता। अगे श्री दमदमा साहब जी स्थान ते सिमरन करके वल्ले पिंड सच्चे चरण कमल पाए। इथों दी सत्संगत जी ने बड़े ही प्रेम सहित सब सच्ची सेवा कीती। इथे श्री अमृतसर साहब जी दी माइयां ने प्रेम भेटावां सच्चे चरण कमलां च हाजर करके पूर्ण प्रेम सहित माफी मंगी जथा सासे सासे हम भूलन हारे तुम समर्थ अगणत अपारे। आप जी ने परम प्रसन्न हो के सब बर बख्शिया माइयां रब रजाइयां अगे मेले कुशल छेती घरे आए अनुसार श्री बाबे बकाले साहब जी वापस आ गए। धन गुरु परमेश्वर जी धन गुरु सत्संग जी धन गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे सतसंतोख निम्रता हलीमी गरीबी सर्वव्यापी महामसमाद खेमा तीज मोह ममता दा त्याग ही त्याग त्याग दा त्याग प्रभ मेरे वैरागी त्यागी हन जी। परम पूजनीक वाहिगुरु सच्चे सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने श्री कीरतपुर साहब जी आउणा गुरु परिषद जी ने विचारिया गोसाई परतापो तुहारो डीठा अनुसार परम पूजनी सच्चे सतगुरु पहले पातशाह जी दा अदुक प्रताप जिस करके दर्शन दास दी बड़ी भारी ही पूजा हो रही है जी। निरापराध चित वेहे बुरियाई अनुसार जिन्हां दे मन च कारण ईरखा द्वैष है उन्हां दे मन दर्शन दास ते सड़ रहे हन। जे तो पिरिया दी सिक हयाओ ना ठाहे कही दा अनुसार इथे रहना ठीक नहीं। दुआबे नूं तारदिआं जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थां नूं सुहावा राम राजे अनुसार श्री कीरतपुर साहब जी आए। गुरु स्थानां दे सुंदर दर्शन परसे तानू तानू सो जनी जेने गुरु जनिया माए अनुसार सचे सतगुरु अठवें पातशाह जी दे माता
अपनी प्यारी नूह कृष्ण कौर जी नूं भाणा मन्नण नाम लब लाउण दा परम पूजनीक सो सच्चा उपदेश बख्शिया। साते गुरु मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए। अनुसार कहा परम पूजनीक सच्चे सतगुरु हर कृष्ण साहब जी सदा हाजर नाजर अमर अटल अचल अविनाश हन। श्री आनंदपुर साहब जी वसाउणे साखी मौले शाह सैयद पीर जी दा संसा दूर करना अंग 131। कहलूर दी दून च सतलुज किनारे 157,000 नूं चार चार को धरती खरीद के 1721 बिक्रमी नूं श्री आनंदपुर साहब जी वसाए। रोपड़िए पीर मौले शाह सैयद जी ने आके नमस्कार करके कहा, आप जी पूर्ण वैरागी त्यागी सच्चे सतगुरु पहले पातशाह जी दी गद्दी दे मालक हो, एडे वड्डे वड्डे महल क्यों सार रहे हो जी, जो प्रवृत्ति बंधन हन। सच्चे पातशाह जी ने कहा, हे भाई तू सौ जा। सौ के सुपने च सच्चे सतगुरु साहब जी दे नाल सुरग च जाके एक बंदे नूं सोने दे पलंग ते बैठा वेख के पुछया, तां उसने दस्या, मैं पिछले जामे च शेर सी, मेरे कुरने च बंदे आके बैठ गए, मैं बाहरों आया विड़काउण तों बाहर ही रहा, गड़िया दी वरखा होण तों मर के इत्थे पहुंचा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਫੜ ਲਏ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਲੰਗਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਅਹੇ ਕੇ ਛੋ ਪਾਵੈ ਨ ਬੰਦਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੈ ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 131। ਤੀਰਥ ਉਦਾਂ ਮੋਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਰਾਣ ਅਰਥਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲੇ ਨੌਵੇਂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਮਿਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਅਤੋਟ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਾਰੇ ਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਜਥਾ ਗਾਮਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਕੀਨੇ ਬਹਾਨਾ, ਨਿਜ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਚਾਹਤ ਕਲਿਆਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਰੋਪੜ ਘੜੂਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੇੜ ਰੈਲੀ ਪਕੜਾਣੇ ਅਗਾਣੀ ਬਿਸਰਾਮੇ ਨਿਸਿੰਬਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਟਹਿਲਪੁਰ ਨੌਲਖਾ ਮੈਣ ਦੁਆਬ ਮੂਲੋਵਾਲ ਸੇਖਾ ਹੰਡਿਆਏ ਪੰਧੇਰ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਜੱਗੇ ਭੁਪਾਲੀ ਖੀਵਾ ਭਿੱਖੀ ਖਿਆਲਾ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਏ ਅੰਗ 132। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ, ਆਪ ਦਸਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕੱਢੀ, ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਅੱਗੇ ਮੌੜ, ਸੂਲੀ ਸਰ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ, ਬਾਰਾਪੁਰ, ਗਾਗਾ, ਗੁਰਨੇ, ਮਕਰੋੜ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗਏ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਭ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਥਾਪਿਆ, ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਨਾ, ਥਾਨੇਸਰ, ਬਣੀ, ਬਦਰਪੁਰ, ਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਚ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਏ। ਮਹੱਲੇ 9ਵੇਂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਮੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਹਮੋ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਸਰੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਤ ਹਨ, ਹਮੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਸਤ, ਹਮੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਤ ਹਨ, ਹਮੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਅਵਜਲੋ ਅਮਜਦ ਅਸਤ, ਹਮੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲੋ ਵੱਡੇ ਅਮਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਤ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਤਰੇ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਰੇ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਤੀ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 133। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਰੇ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਪੜੋਤੇ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਈ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज साहब जी दे परम पूनिक श्री बाबा साहब जी यथा बाबा वसै बीच बकाले अपनी संगत आप संभाले। धन हन धन हन धन हन सचे सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी धन हन। शीश कुरबान कीता त्रिवेणी प्रयागराज तीर्थ ते पहले श्री अखंडपुर साहब जी कराने पाठ मर्यादा पोथी च पढ़ो जी अगे कांसी विखे ब्रह्म चर्चा करके विद्वाना नु निहाल कीता। चाचा फुगू जी नु निहाल करना बिहार च जिला शाहबाद दी तहसील ससराम विखे सचे सतगुरु साहब जी दे अनन्ना भगत चाचा फगू जी भजन सिमरन गुरसिखी दा खूब प्रचार करदे सन। सचे सतगुरु साहब जी लई दसवंध इकट्ठा करके पाई पाई सचे सतगुरु साहब जी दे चरण कमलां च भेज दिंदे। एक घरे गुरु सेवा लैण गए एक पति दी वजोगण ने कूड़ा चुके झोली च पा दिता नाले गालां भी कढ़ियां। बाबे जी ने इस ते गुस्सा करन दी बजाए महान तरस कीता अपने घरे आके कूड़े च एक बेर देखिया उस नूं कूड़े समेत बीज दिता। इस बेरी दा नाम सचे सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बेरी रखिया। इस दे मिठे बेर सत्संग जी नूं वरताउं दे गुरु प्रेस जी घोड़े ते चढ़े चढ़ाए इस प्रेमी दे पास पहुंचे सुंदर दर्शन करके निहाल हो गए। दर्शां नूं देखत दोख नसे इस प्रेमी जी ने गोरो परमेश्वरो पूजिए माने ताने लाए प्यारो अनुसार सचे सतगुरु साहब जी दा इउं पूजन कीता। सिंघासन पर तबह बिठाए परयो दंडवत गुर अगवाए बारे बारे आवे बंदन भूम पाग पंकज गह अनन चूम जथा पर्वत गार अपार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता साचो चुम्मा पैर मूह ते सो जान के पाग नित पूजिए मेरी जिंदुड़िए जो मारे गे धर्म चले सहे राम ले गुर की बनही निज हाथ तिस ते धूल लगावते माथ हाथ जोर होए खरो अगारी बारे बारे होवत बलहारी पूं धरती ते पै के अब दिलों ला के बंधन कीती जथा डंडौ ते बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ गुर की रेणु नित मज्जा नू करो जन्म जन की होमे मालो हरो। अंग 134 सचे फगू जी ने सारी पेटा हाजिर कीती। गरीब नवाज जी ने बेर छक के परम प्रसन्न होके सो भर दिते हे प्रेमिया आप जी गुरसिखी दे थम हो आप जी दी करनी कमाई धन है आप जी आप तरे नेकानू तारोंगे आप जी दी ते दसन दास दी एकता पेता है। तन सतगुरु साहब जी दे प्रेमी सिख कूड़ा झोली च पवा के गाला सहार के उसदा भला सचे सतगुरु साहब जी तों करवाया। सत्संग जी दर्शन करन जांदे हन तां इत्थे हुण तक वीरां दा प्रसाद वरतदा है जो दसन दास ने छकिया है। वाहिगुरू महला नावां जी ससराम तों बुद्ध गया पहुंचे पंडतां ने मूंह मंगिया दान मंगिया तां सचे सतगुरु साहब जी ने कहा पंडित रोवहे ज्ञान नू गवाए इस करके तानु लवलाल छड के ज्ञान प्राप्त करके सुरखरु होना चाहिदा है। दाते सतगुरु साहब जी ने तू अण मंगिया दान देवना सबनाहा जिया मोह मंगा सोई देवदा
हारे पिता सुख दायक अनुसार मुंह मंगया दान दे दिता। जथा नानक तोटे न आवई तेरे जुगह जुगह भंडार। पंता ने फिर कहा जी सानू कोई हुक्मनामा बख्शो जिस नूं दिखा के गुरसिखां तों दान लिया करिए। तां परम पूजनीय सचे सतगुरु साहिब जी ने लाबो कुत्ता कूड़ चूहड़ा ठागे खादा मुरदारो लोभ लहारे साबो सुआनु हल को है हल क्यो सबहे बिगारे। अनुसार फरमाया तुहाडा अधिकार नहीं तुसी लोभी हो। तुहाडियां रस्मां रीतां तों तां सिखां नूं सुतंत्र करना है। जथा हमरा झगड़ा रहा न को पंडित मुल्ला छाडे दो। वाहिगुरु सचे सतगुरु साहिब जी ने गया तो गाज गृह ते नालंदा जा के गुरसिखी का प्रचार किया। हुण तक गुरु की संगतां कायम हन। नालंदा तो श्री पटने साहिब जी का पहला नाम बिसंबरपुर सी। श्री पटना साहिब जी विखे सचे चरण कमल पाए। दोनों वेले सचे सतगुरु साहिब जी सुंदर दीवान सजाउंदे। कोटे ब्रह्मंड दे रचनहार सचे पातशाह जी ते खंड ब्रह्मंड मोहित होए गए। पोथी अंग 135 यथा मोहि देखे दर सो नानक बालेहारिया तेरो रूपो सगल देखे मोहि। सब मोहि देखे दर्शनु गौर संत। 24 घंटे लंगर चलदा राजे रंग बैठ के शक दे बेअंत। धन पदार्थ आउंदा वड्डे दाते सचे सतगुरु साहिब जी गरीबां नूं लुटा दिंदे। खंडा बरुंडा जस फैल गया धड़ा तर सिख बन लगे। एक खबर जालम औरंगे पास पहुंची साड़ बल गया। जगह थोड़ी सी सत्संग द्वयम जुड़दी वड़पागे शाहूकार प्रेमी ने अपनी हवेली अरदास कर दिती। इत्थे पहला धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने भी सचे चरण कमल पाए सन। सत्संग जी ने आप जी लई सुंदर श्री हरिमंदर साहिब जी रच दिते। मानो आ वाहिगुरु सतगुरु दसवें पातशाह जी दी मिठी प्यारी उड़ीक च रचे हन। परम पूजनीय सचे सतगुरु नौवें पातशाह जी ने चमासा इत्थे ही कटिया। सिखी दा भारी प्रचार किया। इत्थे अपने परिवार की देखभाल लई वडभागे भाई दयाल दास ते श्री पटने साहिब जी दे प्रेमी मसंद भाई मेहर चंद ते चैन सुख नूं जिम्मेवारी संभाली। पोथी अंग 135 टाके भाई बलाकी दास जी ते इन्हां दे प्यारे माता जी नूं निहाल करना। श्री पटने साहिब जी तों अगस्त दे महीने टाके नूं चले ते मुंगेर ठहरे। इत्थों अगे भागलपुर साहिबगंज एकांत नगर मालदा गोपालपुर पवना हुंदे हुए ढाके पहुंचे। ढाके पहला श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने परपकारी सचे चरण कमल पा के खूह लवाया सी। मिठा जल शरदा बाण बंगाली वरतदे रहे। ढाके च एक उदासी महापुरश अलमस्त जी ने स्थान बना के प्रेम प्रचार सिखी फैलाई। भाई नत्था साहिब जी इस स्थान दे मुखी सेवादार सन। एक स्थान से भाई बुलाकी दास जी सेवक सन। इस दा नां संगत टोला प्रसिद्ध होया। बुलाकी दास दे इन्हां दे माता दे प्रेम दे वसीकार हो के श्री गुरु साहिब जी संगत टोला विखे ठहरे। यथा
साचो कहो सुन ले हो सब जैन प्रेम कियो तेन ही प्राभु पायो। बुलाकी दास जी दी माता जी बड़ी गुरमुख तीबर सदभावनी वाली सी। इस नू कृपा निधान सतगुरु साहब जी ने खूब मिठे बचना च कहा, हे माता जी आप जी दे प्रेम दी खिच करके दासन दास आप जी दे दर्शन करन आया है, जो इच्छा है सो मंगो। माता जी ने पूर्ण प्रेम च लीन हो के कहा, रावर को दर्शन नित पावो, जब लग तन मह प्राण बसावो, इही आस मेरी सो दीजे, नित दर्शन दे करे हर खीजे। आप जी ने पर प्रसन्न हो के कहा, आप जी दी सुभ इच्छा करतार जी पूरी करनगे, जदों ध्यान करोंगे दर्शन होंगे। इस तरह भाई बलाकी दास जी दी माता जी ने मुगल दरबार दे नकाश तों परम पूजनीक सच्चे सतगुरु साहब जी दी तस्वीर खिंचवाई, जो हुण भी ढाके च है। श्री सतगुरु साहब जी दे प्रकाशमई नूरो नूर चेहरे नूं देख के नकाश दी अखां चुंधिया गईयां, तेज सहार ना सकिया। प्रेमी बुलाकी दास जी ने सतगुरु साहब जी लई नवी इमारत बनाई।